अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम दानिश डी एस फैंसी बर्ड से। आज आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे क्रूक्ड फिंगर्स पे या टेढ़ी उंगलियां। ये मेरे सामने एक चिक देख रहे हैं आप, वैसे तो सेहतमंद है, बिल्कुल ठीक है, मगर इसकी अगर आप पंजे को देखें, ये इसका पहला राइट वाला पंजा है, इसका आपको देख कर अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। ये इसका पहला पंजा है और ये इसका दूसरा पंजा है। जी हाँ, ये इसमें आपको वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो ये चौथी उंगली है ये टेढ़ी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका इलाज कैसे करना है। ठीक है, तो इलाज करते वक्त बिल्कुल घबराना नहीं है, ये इनके भले के लिए। चूज़ा इसमें उछल कूद भी करता है, शोर भी मचाता है, मगर एट द एंड ऑफ द डे इनका ही फ़ायदा है इसमें। ठीक है, तो पहले तो मैंने एक टेप ले ली है, इसको मैं थोड़ा साइड पर रख देता हूँ। ये मैंने टेप ले ली है, अच्छी क्वालिटी की आप कोई टेप ले लें जो आसानी से उतरे ना। ये मेरे पास पैकिंग वाली टेप है जो गत्ते के डब्बों को करते हैं। इस पे से आप एक टुकड़ा काट लें, तकरीबन अगर चूज़ा बड़ा है तो बड़ा पीस काट लें, अगर चूज़ा छोटा है, उसका पाँव छोटा है तो छोटा। मैंने पाँव से थोड़ा सा बड़ा ये टुकड़ा एक ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं नीचे रखता हूँ। इस इलाज का सबसे मुश्किल काम यही है कि अपने टेप को अपने हाथ से उतारना। ठीक है, ये मैं आपको ना उतार के दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो ये टेप हमने सीधी कर ली है अपनी, तो अब क्या करेंगे, हम इसका पंजा एक खोलेंगे। ठीक है, आप इसमें परेशान नहीं होइएगा, और अगर चूज़ा बोलता है, छुड़ाता है, तो आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ इसके लिए ये कुछ टाइम का दर्द है जो ठीक हो जाएगा। आपने ये पंजा खोल के टेप के ऊपर रख देना है। ये टेप, ये इसकी ये उंगली पहली, ये इसकी दूसरी उंगली और ये तीसरी। ठीक है, अब ये देखें, अब ये टेप पर ये बिल्कुल चिपक गई हैं, उतरेंगे नहीं। अब जो टेप का जो दूसरा हिस्सा है वो बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर लगा दें लूजली, कि इसकी फिंगर मुड़े ना, इसकी फिंगर मुड़नी नहीं चाहिए। चूज़ा इसमें चीखेगा भी, चिल्लाएगा भी, क्योंकि इस वक्त उसको दर्द भी हो रहा है, मगर आपने परेशान नहीं होना, आप जानते हैं कि इसकी बेहतरी के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, ये मैंने अच्छे से इसके ऊपर टेप के ऊपर टेप कर दिया। ठीक है, अभी ये टेप बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको हम थोड़ा सा ट्रिम करेंगे ताकि इसके चलने फिरने में आसानी हो। ये फिंगर जो है, अगर आप नीचे से देखें तो ये पंजा इसका बिल्कुल खुल चुका है। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको ट्रिम करके तो फिर दोबारा दिखाता हूँ ये कैसा लगेगा। तो ये ट्रिम करने के बाद ये ऐसा दिख नज़र आएगा। अभी कोशिश होगी कि इसमें चिक जो है वो परेशान ना हो चलने में, इसका मैं छोड़ के दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, ये अभी इसको ये पंजा उठा के चल रहा है, थोड़ा सा अभी तकलीफ़ में भी है और इसको अभी आदत भी नहीं है टेप में चलने की, मगर ये है कि इसकी ये उंगलियाँ जो हैं ये 2 से 3 दिन में बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, और इसका डे बाय डे मैं आपको प्रोग्रेस दिखाता रहूँगा। अभी आप इसका मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं, मल्टीविटामिन्स में जो सबसे ज़्यादा अभी इसको ज़रूरत है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। जितनी भी मसल्स का प्रॉब्लम हो, ये बेसिकली एक मसल का प्रॉब्लम है, तो उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही हम इसको जो है मेडिकेशन में वो देते हैं। तो अभी थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल भी होगा चलने में, मगर ये एट द एंड ऑफ द डे इसके लिए ही अच्छा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा ये वीडियो देखकर।
अपने दोस्तों का भी शेयर कीजिएगा। बहुत से इस टाइम फैंसी बर्ड्स लवर्स हैं, फैंसियर्स हैं, जो अभी जिन्होंने नया स्टार्ट लिया मगर वो ये प्रॉब्लम से दो चार हैं, तो उनको भी फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।